हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सऊदी अरेबिया लैंड ऑफ सैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं वैभव कुमार दुबे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमें हेल्प और मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ द डेजर्ट, बिकॉज जो ये सऊदी अरेबिया का हम जो पूरा कवर करने वाले हैं वो डेजर्ट के ऊपर है। उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट टॉपिक्स आर वी गोइंग टू कवर इन दिस। तो हम आज सऊदी अरेबिया के लोकेशन और क्लाइमेट के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ अ डेजर्ट। तो डेजर्ट एक एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है और ये बहुत ही हॉट टेम्परेचर्स को फील कर पाते हैं एंड बहुत ही छोटी वेजिटेशन होती है उनकी। इस वीडियो में आप एक क्लोजर लुक लेंगे हॉट डेजर्ट रीजन। बहुत हॉट डेजर्ट रीजन है वो कुछ और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया है उसका ऑफिशियली उसे कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी KSA जी, और इसका कैपिटल है रियाद। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इन्हें अपने माइंड में रखिएगा। तो अब मैं आपको कुछ दो फैक्ट्स बताने वाला हूँ। वो है कि पहला फैक्ट है कि कुछ एग्जांपल्स हैं हॉट डेजर्ट के, वो हैं सहारा और कलारी अफ्रीका में, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, मैक्सिकन डेजर्ट मैक्सिको में और थार डेजर्ट इंडिया में। तो और जो अरेबियन पेनिनसुला है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड में। आपने ये तो सुना ही होगा इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो जो सऊदी अरेबिया है वो उसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, क्योंकि उसके लोकेशन आपको बाद में पता चलेगा कि उसे पेनिनसुला क्यों कहते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में जब हम बात करेंगे। तो उसे अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं और वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है पूरे वर्ल्ड का। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के लोकेशन के बारे में। तो अगर हम उसके लोकेशन की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके मिडल से पास होता है, मिडल से। एंड जो सऊदी अरेबिया है वो जॉर्डन, कुवैत और इराक नाम के देशों से नॉर्थ में सराउंडेड है, पर्शियन गल्फ क्वार्टर और बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ईस्ट में, अरेबियन सी ओमन और यमन से साउथ में, और रेड सी से वेस्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सऊदी अरेबिया है उसे अरेबियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं। देखिए, अब वो जो है वेस्ट साइड से रेड सी से है, हाँ रेड सी से कवर्ड है। अब नीचे की तरफ से वो अरेबियन सी से है, मतलब अरेबियन सी से कवर्ड है अरेबियन सी से, और साइड से वो मतलब ईस्ट से वो पर्शियन गल्फ से कवर्ड है, तो इसीलिए उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर तो एक रॉकी प्लेट्यू है जो कि एक वास्ट डेजर्ट से कवर्ड है, और हाफ ऑफ द कंट्री एक बैरन डेजर्ट ही है। कंटिन्यूस बॉडी जो है सैंड का उसे कहते हैं नफुद या फिर रुबल खली, जो कि कंट्री के नॉर्थ और साउथ के बहुत सारे पार्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं, और ये रीजन्स सैंड ड्यून्स या फिर हिल्स ऑफ सैंड से कवर्ड रहते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तब जो सैंड ड्यून्स हैं वो अपनी प्लेस शिफ्ट करने लगते हैं वन प्लेस टू अनदर। एंड जैसे हाउएवर पूरा जो है सऊदी अरेबिया का एक डेजर्ट नहीं है रही, कंट्री के पास माउंटेन्स है वेस्टर्न साइड में जो कि रेड सी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। रुबल खली या फिर एम्प्टी क्वार्टर लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट है वर्ल्ड में, और अभा एक हिल स्टेशन है सऊदी अरेबिया में जो कि कूल रहता है इवन इन द समर सीजन। मतलब विंटर सीजन में भी सऊदी अरेबिया दिन में इतना ज़्यादा गर्म रहता है, और ये अभा भाई साहब कूल रहते हैं, वेरी गुड। तो जो सऊदी अरेबिया है उसके पास परमानेंट रिवर्स या फिर लेक्स नहीं होती हैं। इन कुछ प्लेसेस पे स्ट्रीम्स जिसे हम वेडिस कहते हैं वो रेन्स के बाद हो जाती है, लेकिन वो टेम्प्ररी होती हैं, हाँ, और वो सिर्फ के ब्रीफ पीरियड तक ही वो फ्लो होती हैं। कुछ प्लेसेस पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है और पूल्स फॉर्म कर देता है, और इन जगहों को ओएसिस कहते हैं। और यहाँ पे एक एक्यूट शॉर्टेज होता है फ्रेश वाटर का KSA में। जो कंट्री है वो इसके ज़्यादातर फ्रेश वाटर्स जो सी वाटर होता है पानी का, वो सी के पानी का जो होता है समुद्र का पानी, उसमें से सॉल्ट हटा के उसे डिसैलिनेट करके पानी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के क्लाइमेट के बारे में। तो जो क्लाइमेट है सऊदी अरेबिया का बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा है, यहाँ पे हार्डली कोई रेनफॉल हो पाती है। कुछ टाइम्स तो यहाँ पे बहुत सारे सालों के लिए रेन ही नहीं होती। समर
सीजन मई से सितंबर तक चलता है और जो डेज हैं बहुत ही हॉट और ड्राई रहती हैं, बहुत ही गर्म रहती हैं। इनफैक्ट कुछ प्लेसेस पे तो जो टेम्परेचर है 50 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है। हाउएवर जो नाइट से कूल होती है, क्योंकि जो डेजर्ट सैंड होती है वो नाइट में जल्दी कूल हो जाती है, ये आपने पहले भी जाना होगा। तो जो विंटर सीजन है वो अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। जो डेज हैं बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ गर्म होते हैं, थोड़े से गर्म होते हैं, और नाइट्स तो इतनी ज़्यादा ठंडी सी हो जाती है ना। और जो कोस्टल एरियाज हैं वो माइल्ड टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। सैंड स्टॉर्म्स यहाँ पे कॉमन है, हर सीजन में कॉमन है। सैंड स्टॉर्म का मतलब जब सैंड वो ब्लो होती है, एंड जो सैंड ब्लो होके पूरा फॉग कर देती है सैंड का, जिससे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, उसे कहते हैं सैंड स्टॉर्म। मैं आपको अभी उसकी एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, तो वो स्काई को हेजी बना देते हैं, इतना समझ लीजिए। चलिए मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये है एक फ़ोटो सैंड स्टॉर्म की। सो गाइस, ये सैंड स्टॉर्म इस तरह होता है, पूरा घेर लेता है आसमान को, पूरा हेजी बना देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया सैंड स्टॉर्म मतलब क्लाइमेट के बारे में और सऊदी अरेबिया के लोकेशन के बारे में। तो ये था पार्ट वन। पार्ट टू में हम लोग जानेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज, वो भी सऊदी अरेबिया के बारे में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सऊदी अरेबिया के वेजिटेशन एंड लाइफस्टाइल है और नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में हम पार्ट टू में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं पार्ट टू अपलोड करूँ आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।